हेलो बच्चों, चौथे लेसन का ये दूसरा वीडियो होगा, दूसरा लेक्चर होगा। इस लेक्चर में देखिए हमें क्या पढ़ना है, विलिखित गोरी चाला की वैद्युत धारिता। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए विलिखित गोरी चाला की धारिता क्या है। तो हम कह सकते हैं विलिखित गोरी चाला की धारिता से या विलिखित आवेशित गोली चालक की धारिता से या चालक से यह अभिप्राय है कि एक ऐसा चालक हो जो किसी अन्य चालक के संपर्क में ना हो, उस पर आवेश उपस्थित हो लेकिन वो स्वतंत्र रूप से चालक क्या हो, कहीं पर रखा गया हो। ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई अन्य चालक भी हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या है, चालक है उस पर आवेश उपस्थित है और प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होंगे, आवेश समान होंगे तो विभव समान होंगे, तो समान होंगे लेकिन वो किसी से अन्य के संपर्क में ना आए। तो ऐसे चालक को हम क्या कहते हैं, विलिखित गोली चालक की धारिता। तो विलिखित आवेशित गोली चालक से यह अभिप्राय है, इसकी पहले हम परिभाषा लिखेंगे, विलिखित विलिखित आवेशित विलिखित आवेशित गोलीय चालक से यह अभिप्राय है, क्या कह सकते हैं, यह अभिप्राय है या यह तात्पर्य है, ऐसा कह सकते हैं, अभिप्राय है कि ऐसा चालक जो किसी अन्य चालक के संपर्क, क्या लिख सकते हैं, संपर्क में ना हो। ये तो इसकी होगी परिभाषा। अब हम क्या करेंगे, एक विलिखित गोली चालक बनाएंगे। तो विलिखित गोली चालक इस तरह बनाएंगे, मान लीजिए ये विलिखित गोली चालक है, इसका हम केंद्र मान लेंगे कुछ, ये केंद्र इसका क्या है, ये है, और केंद्र ओ मान लेते हैं, ये दूरी इसकी आर मान लेते हैं और ये पृष्ठ से लंबवत निकल रहे हैं। और इस पर कैसा है, प्लस की वजह से, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये विलिखित गोली चालक है तो हम बोलेंगे, माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का विलिखित गोली चालक है, ध्यान देना सब लोग, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई कैपिटल आर त्रिज्या का कोई विलिखित चालक है जो के परा वैद्युतांक वाले माध्यम में
स्थित है। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब हम कह सकते हैं स्थित है, अतः इस चालक को, अतः इस चालक को, इस चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर इसके बाहरी पृष्ठ पर, या इसके पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएंगे, प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश सामान्य रूप से वितरित हो जाते हैं, जो एक समविभव पृष्ठ के समान, है। या तो क्लियर हुआ होगा आपका समविभव पृष्ठ के क्या है, समान है। अब ध्यान दें, हम मान सकते हैं उसका जो संपूर्ण आवेश कहाँ पर हो, केंद्र पर हो। माना यदि उसका संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर हो, तब प्लस क्यू आवेश के कारण पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, तब क्या निकालेंगे, उत्पन्न विभव, तब प्लस क्यू आवेश के कारण उसके पृष्ठ पर उत्पन्न क्या निकालेंगे, विभव। अब विभव आपको पता है तो v स्क्वायर में क्या होगा, 1/4πε0 के क्यू बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। ऐसा हो सकता है समीकरण नंबर क्या बना ले, 1। अब हम ध्यान देंगे, हमने ये कहा यदि इस जो चालक है इसकी धारिता क्या हो, C हो, यदि इस चालक की धारिता C हो तो C बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी। समीकरण 1 का मान 2 में क्या करने पर, रखने पर, तो C बराबर क्यू बाई पूरे के बटे 1/4πε0 के क्यू बाई आर, ये पूरा पोजिशन ऊपर जाएगा, C बराबर 9/10 लिख सकते हैं, 0.5 के, और हो जाएगा क्यू इंटू आर पूरे के बटे क्यू 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 कैंसिल, C बराबर 4πε0 के आर। ये आपका क्या होगा, अजट होगा, और मात्रक लिख सकते हैं हमारा क्या होगा, फेरर होगा। यहाँ तक तो किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब था। अगर इसी को थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर नौ गुणे दस की पावर क्या होता है? नौ। यह होता है, बोलो, ये तो होता के बराबर हम एक ले लेते के बराबर एक, उसका मान खत्म हो जाएगा। तो अगर इसको ऊपर कर दिया जाए तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वन अपॉन नौ गुणे दस की पावर नौ लिख सकते हो कि नहीं? हो सकता है ऐसा, तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे यदि के बराबर कितना कर दिया है, यदि y या निर्वात के लिए y या निर्वात के लिए k इज इक्वल टू वन, तो c बराबर r बटे नौ गुणे दस की पावर नौ मात्रा क्या हुआ है? यही आपका क्या हुआ है, फार्मूला बनेगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। एक बार फिर से हम बताने की कोशिश करते हैं, पहले चैनी हमारे पॉइंट क्या बनेगा, बिलगित गोली चालक की धारिता। तो सबसे पहले बिलगित चालक क्या है, एक ऐसा चालक पदार्थ हो जो किसी अन्य चालक के संपर्क में ना हो उसे बिलगित चालक कहते हैं। तो माना कैटर आपके त्रिज्या का कोई बिलगित चालक है, कहाँ पर रखा गया है, के परा वैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। अब हम कहेंगे रखा गया, अतः इस चालक प्लस क्यू इसे, अतः इसे इस चालक को लिखना चाहिए, को प्लस क्यू आवेश देने पर, अतः इस चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर इसके बाहरी पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है, जो एक संयोग पृष्ठ के क्या है, समान है। यदि उसका संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर होता प्लस क्यू आवेश के कारण उसके पृष्ठ पर, आप क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। और धारिता अगर ये मान लिया जाए तो आपका क्या होगा, फाइनली रिजल्ट आ सकता है। अब आपको एक चीज और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, वन अपान लव गुणे दस के पावर, जो लव है वो कास्टेट का काम कर सकता है, और जब कास्टेट का काम करेगा तो आप जानते हैं आर क्या होगा, धारिता के समानुपाती होगा। तो आपने लिखा था यहाँ से आकार बढ़ाने से धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, वो सिद्ध भी हो गया आपका। तो कोई डाउट हो तो यहाँ से बताइए आप। तो यहाँ से एक नोट की वैल्यू आएगी, तो सबसे पहले इसका साफ स्क्रीन लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से एक नोट पॉइंट होगा या हम लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि, अब क्या स्पष्ट होता है, होता है कि किसी विद्युत गोली चालक की धारिता, किसी बिलगित गोली चालक की धारिता, किसी बिलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुपाती या समानुपाती रहेगा, सबसे बढ़िया समानुपाती होती है। इस तरह आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको पता है पृथ्वी के लिए अगर निकाला जाए धारिता का मान,
तो पृथ्वी का जो विभव होता शून्य होता है, तो धारिता उसकी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, तो उसको ध्यान नहीं देना हमको है। तो यहाँ से अब ये टॉपिक क्या होता है, क्लियर होता है। आज के इस वीडियो में यही तक लेक्चर चलेगा, फिर हम तीसरी वीडियो में तीसरे लेक्चर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।